आज किन विषयों को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से ये देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। उसका एक चरण 5 नवंबर 2020 को जिला स्तर पर प्रदर्शन और ज्ञापन का हुआ, और ये दूसरा चरण तहसील स्तर का पूरे भारत में आदिवासियों के तमाम आदिवासियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के, उनको जबरन हिंदू बनाने का आरएसएस के माध्यम से और उनके सहायक संगठनों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको जबरन हिंदू बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विरोध में, और आदिवासियों को नेशनल पार्क के माध्यम से, नेशनल कॉरिडोर के माध्यम से, भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से, इंडस्ट्रियल इंडिया डेवलप करने के माध्यम से आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासी एरिया में विभिन्न प्रकार की 89 प्रकार की धातुएं हैं, बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं, उन धातुओं को खनिज माफियाओं के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से, टाटा बिरला अंबानी के माध्यम से उनको दिया जा रहा है, जबकि वो पांचवी अनुसूची क्षेत्र है। उस पांचवी अनुसूची क्षेत्र में कोई भी गैर आदिवासी उस जमीन को खरीद नहीं सकता, ना भारत सरकार खरीद सकती है, लेकिन उस आदिवासी क्षेत्र में जो खनिज है उस खनिज को लूटने के लिए ये खनिज माफिया, इसके अलावा जंगल माफिया, जमीन माफिया, ये तमाम प्रकार के उन भोले भाले आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। ये उन आदिवासियों को संविधान के आर्टिकल 244 एक के तहत जो पांचवी अनुसूची के लिए विशेष अधिकार मिले हैं, उन विशेषाधिकारों के विरोध में जाकर के इस भारत के आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। जबकि आदिवासी की अगर ज़मीन है और आदिवासी की ज़मीन में अगर कोई खनिज है तो उस खनिज का उस आदिवासी को हिस्सा मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए, या उस आदिवासी की ज़मीन में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है तो उस आदिवासी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उस आदिवासी को उन्हें पौने दाम मुआवजा दे करके और उस जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। उस आदिवासी को पता ही नहीं है कि इस पैसे का क्या उपयोग किया जाए, वो 5-4 साल में वो जो मुआवजा मिला है वो ख़त्म हो जाता है और उसके जो ज़मीन है वो भी चली जाती है। इसलिए अगर आदिवासी की ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप उस जो भी विकास के नाम पर योजनाएं चला रहे हो उस विकास के नाम योजना में उसका हिस्सा होना चाहिए, उसके बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए, उसको MBA करवाए, उसको इंजीनियरिंग की या टेक्निकल की शिक्षा दिलवाई जाए और जो इंडस्ट्री डाली जा रही है उसमें उसको हिस्सा दिया जाए और उसको जो भी उसकी योग्यता के अनुसार उस इंडस्ट्री में उसको पद दिया जाए। तो ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस षड्यंत्र के लिए हमारा अगला चरण 28 नवंबर को जिला स्तर पर विशाल रैली और प्रदर्शन का है। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से इतिहास का पहला राष्ट्रीय स्तर का हमारा आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन में हमारे भाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के तमाम प्रकार के आपसू संगठन के जो लोग हैं वो लोग भी हैं, उसमें SC OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी भी इसके साथ में साथ सहयोग कर रही है। तो ये हम SC ST OBC और माइनॉरिटी ये तमाम प्रकार के जो लोग हैं, हम 85% लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, लेकिन ये 85% लोगों को अलग अलग, आदिवासियों को अलग मारा जा रहा है, SC को अलग मारा जा रहा है, OBC को अलग मारा जा रहा है, मुस्लिम को अलग मारा जा रहा है, सिखों को अलग मारा जा रहा है, ईसाइयों को अलग, तो सबकी अलग अलग पिटाई हो रही है। तो ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के साथ में हमारा देशव्यापी अगला क्या चाहते हो जी, मेन उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाहते हो? हम सरकार के चाहते हैं कि जो भी संविधान के विरोध में आदिवासियों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं,
उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित किए जा रहे हैं, उनकी पांचवी अनुसूची लागू नहीं की जा रही है, उसको लागू करें और उनको जबरन हिंदू बनाने का आरएसएस उनके सहायक संगठनों का जो योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों का कस्टमरी लॉ अलग है, आदिवासियों की कला सभ्यता संस्कृति उनका कल्चर सब अलग है, इसीलिए आर्टिकल 342 के तहत आदिवासियों को अलग पहचान मिली है। जिस तरीके से एससी को अलग से पहचान मिली है 341 के तहत, ओबीसी को 340 के तहत अलग से पहचान, इसलिए आदिवासियों को भी अलग से पहचान मिली है। तो ये एक नहीं है, और उनको अगर हिंदू बना दिया जाएगा तो उनके तमाम प्रकार की सभ्यता संस्कृति परंपराएं प्रथाएं मान्यताएं सभी समाप्त हो जाएगी, फिर आदिवासी और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है, तो उनके संवैधानिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, उनकी जो संवैधानिक पहचान मिली हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, इसके विरोध में हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 300 जिलों में हमारा ये आज और तहसीलों में हमारा आयोजन है।